सूजी की पूरी में मसाले होने के कारण ये एक चटपटी पूरी बनकर तैयार होती है और इसे दही के साथ सर्व करें ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। नमस्कार, इंडियन फूड में डीजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सूजी से एक मजेदार नाश्ता तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो है सूजी की पूरी। जब कभी नाश्ते में कुछ आसान और झटपट तैयार करना हो तो सूजी की पूरी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए लाइक बटन को जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सूजी की पूरी बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप जरूर देख पाएं। सूजी की पूरी रेसिपी के लिए हमने ली है सूजी, बेसन, उबले हुए आलू, चॉप किया हुआ प्याज, बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पानी और रिफाइंड ऑयल। सूजी की पूरी रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। अगर आप हमारी इस्तेमाल की गई चीजें देखना या खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। सूजी की पूरी बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में एक कप सूजी डालें, इसमें आधा कप बेसन, एक चौथाई चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक तिहाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर मिला लें। हम सब्जियां डालने से पहले मसाले डाल रहे हैं ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें एक बारीक काटा हुआ प्याज, दो बारीक काटी हुई हरी मिर्ची और चार से पांच उबले हुए आलू डालकर गूंद लें। तैयार मिक्सचर को थोड़ा सा पानी लगा दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर अलग रख दें। ढककर रखने से सूजी अच्छे से फूलकर तैयार हो जाती है। तकरीबन 15 मिनट के बाद तैयार मिक्सचर को गूंदकर नरम कर लें। अब तैयार किए हुए मिक्सचर पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाएं और इस तरह इसके पेड़े बना लें। पूरियों को हम दो तरह से बेलेंगे। पहली तरह से बेलने के लिए चकले और बेलने पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लें और इस पर तैयार किए हुए पेड़े को बेल लें। दूसरी तरह से बेलने के लिए पेड़े को सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेल लें। पूरियां फ्राई करने के लिए एक गरम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालें। तेल अच्छे से गर्म होने पर इसमें पूरियां डालकर फ्राई कर लें।
पूरी को पलटकर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। जब पूरी गोल्डन ब्राउन नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है। क्रिस्पी और स्वादिष्ट सूजी की पूरी को दही के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको हमारी सूजी की पूरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।